नमस्कार, मैं हूँ इस्लामुद्दीन खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एनसीपी की तरफ से 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट युवक युवतियों के लिए महारोजगार मेलावा का आयोजन किया गया। मुम्बरा प्रभाग समिति की सभापति एनसीपी की नगर सेविका अनीता कीने और विधायक जितेंद्र आवाट के मार्गदर्शन में शनिवार सुबह 10 बजे मुम्बरा के अनंत हॉल में इस मेलावा का आयोजन किया गया। आज एनसीपी पार्टी की तरफ से डॉक्टर जितेंद्र आवाट साहब के जानिब से मुम्बरा में रोजगार मेलावे का आयोजन किया गया था आनंद कोड़ीवाड़ा आनंद हॉल में। उसके लिए लगभग 350 से ऊपर बच्चों ने फॉर्म अपने फिलअप करवाए, अपने नाम दर्ज करवाए। लगभग 150 के करीब उसमें 3 कैटेगरी में थे, एक 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएट। 10वीं के लगभग 50 एक स्टूडेंट्स को हमने ऑन द स्पॉट उनका सिलेक्शन हो गया है। 12वीं के इंटरव्यूज चालू है और ग्रेजुएशन के फॉर्म लगभग 75 फॉर्म्स आ चुके हैं। उनको मंडे के दिन कंपनीज की तरफ से कॉल आएगा फॉर इंटरव्यू। तो एक अच्छा प्रोग्राम, सक्सेस प्रोग्राम, जो मुम्बरा की बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरत थी नौकरी, वो देने की कोशिश हमारे अवार्ड साहब के तहत हमने थोड़ा काम करने का कोशिश किया है। और लगभग हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी और नगर सेवकों ने यहाँ पे आके हमारी हौसला अफजाई की। एक अमेजोन है और दूसरे नवी मुंबई साइड के जो भी कंपनीज है, कैप जेमिनी जैसे, तो वैसे कंपनी के एचआर उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था। तो उस तरह से 4 कंपनीज हमको कांटेक्ट हुए हैं, प्राइवेट कंपनीज। अब तक कितने लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन? 350 से ऊपर के फॉर्म हमने फिलअप करवाए हैं। वो कैटेगरी वाइज उनके सिलेक्शन हुए हैं। 12वीं के लगभग 100 के इंटरव्यूज ऑन द स्पॉट अभी चालू है। इस मेलावे में 3 कंपनियां शामिल है, अमेजोन, मंत्रा, delivery.com। इस रोजगार मेलावे से 256 युवक युवतियों ने लाभ लिया है, जिसमें से 156 लोगों को तुरंत सेलेक्ट कर लिया गया है। इसकी जानकारी प्रोफेसर हसन मोलानी ने दिया। इस मौके पर विधायक जितेंद्र आवाट, महिला संघर्ष की अध्यक्ष रूता आवाट, नगर सेवक राजन किने और तमाम मेहमानगण उपस्थित रहे। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।